आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में और डायरेक्ट वीडियो स्टार्ट करूंगा आज करेंट अफेयर का आपके 10 और 11 मार्च का। और एक बात मैं साथ साथ बोल दूं कि आपका जो होली है वो तो बीत चुका है और जो फाइनली आपका क्लास होगा हर एक क्लास वो कल से जो है वो आपका रिशेड्यूल हो जाएगा, यानी कल से क्लास जो है वो सारा क्लास आप सभी का स्टार्ट हो जाएगा, या फिर वो स्टैटिक जीके हो, करेंट अफेयर हो, मैथ हो या फिर रीजनिंग हो। और मैथ में खास कर कल वो क्वेश्चन कराऊंगा कि आपको एग्जाम से पहले जो 10+2 का एग्जाम आ रहा है ना उसके पहले आप कम से कम ये एग्जाम देकर जाना। और हाँ, आज लास्ट डेट है, आप हमारा एप्लीकेशन जो है सक्सेस की 98 डाउनलोड करने के बाद वहां से आज लास्ट डेट है, यानी वहां से 299 रुपए में वो पैकेज बाई कर सकते हैं, जहां से जिसको बाई करने के बाद एक साल के वैलिडिटी के साथ बैंक, रेलवे, एसएससी का हर एक एग्जाम का आप मॉक टेस्ट वहां पर दे सकते हैं हिंदी और इंग्लिश में एक साल तक। और एक साल तक जो जो एग्जाम आएगा हर एग्जाम का आपको 20-20 25-25 सेट जो है वो दिया जाएगा। तो डायरेक्ट क्लास स्टार्ट करते हैं 10 और 11 मार्च के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है। और आज का पहला प्रश्न है, भारतीय रेलवे के किस पोर्टल को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार की श्रेणी में 2 के तहत रजत से सम्मानित किया गया है, यह आपको बताना है। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और मैं आपको बता दूं यह जो अभी हाल फिलहाल में नेशनल ई गवर्नेंस जो ये सबमिट हुआ था ये आपका हुआ था मुंबई में। और इसमें जो है रेलवे का जो एप्लीकेशन है ना, रेल मदद, इसको जो है वो ई गवर्नेंस पुरस्कार की श्रेणी में 2 के तहत रजत दिया गया है, ठीक है, इससे सम्मानित किया गया है इस एप्लीकेशन को। अगला प्रश्न हमारे सामने है, भारतीय वन सेवा अधिकारी की बैठक किस शहर में आयोजित की जा रही है? द कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर मीटिंग इज बिंग हेल्ड इन, और यह कहां पर होगा? यह होगा आपका मध्य प्रदेश में। और यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तो इसलिए भी है क्योंकि आजकल के एग्जाम में जो है वो मीटिंग के ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा है कि कहां पर ये आयोजन हुआ था, कहां पर आयोजित किया गया था। और साथ साथ जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है ना, उन्होंने इस अवसर पर जो है वो तीन पुस्तक भी लॉन्च की है। तो इस पुस्तक को अच्छे से देख लो, नाम क्या है आपका। पहला है आपका कैंपिंग डेस्टिनेशन ऑफ एमपी, वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन मैप ऑफ एमपी, अ मैगजीन एट द आईएफएस मीट, ठीक है। ये तीन किताब मध्य प्रदेश का जो है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर का जो मीटिंग हुआ था उसके दौरान कमलनाथ जी ने जो है वो लॉन्च किया है। और मुख्यमंत्री कौन है, मैं बता ही चुका हूं, कमलनाथ, राज्यपाल लालजी टंडन और कैपिटल आपका भोपाल। अगला प्रश्न हमारे सामने, पीएम मोदी जी ने उड़ीसा के किस स्टेडियम में खेले जाने वाले पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय गेम्स की घोषणा की है, कौन सा वो है? तो वो है आपका जवाहरलाल नेहरू इंदौर स्टेडियम जो उड़ीसा में पड़ता है, ऑप्शन नंबर आपका बी। और उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक, राज्यपाल गणेशी लाल और कैपिटल तो वो है आप सभी का भुवनेश्वर। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के शताब्दी वर्ष के अवसर पर बांग्लादेश संसद के विशेष सत्र को संबोधित करने के लिए किसे आमंत्रित किया गया है? तो हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी को जो है वो आमंत्रित किया गया है, ऑप्शन नंबर डी। और बांग्लादेश के पीएम कौन है? शेख हसीना। मुद्रा टाका और राजधानी आपका तो वो है आपका ढाका। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस बैंक ने नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटर लिमिटेड के साथ मिलकर तत्काल डीमैट अकाउंट खोलने की सुविधा शुरू की है? विच बैंक हैज लॉन्च्ड अ फैसिलिटी टू ओपन इंस्टेंट डीमैट अकाउंट ऑनलाइन इन एसोसिएशन विथ विच बैंक विद द नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटर लिमिटेड? और किस बैंक के साथ साठ गांठ करके? तो कैनरा बैंक के साथ, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी। और आज का आप सभी का पहला प्रश्न जो है वो यहीं से निकल कर आ रहा है कि कैनरा बैंक के अध्यक्ष कौन है, चेयरमैन बोलते हैं,
वो कौन है, और कैमरा बैंक का हेड क्वार्टर कहां पर है, और कैमरा बैंक का टैगलाइन क्या है। ये तीन चीज आपको कैमरा बैंक के बारे में कमेंट कर बताना है। यह आप सभी का आज का पहला प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि लूनर सोलर तिब्बत कैलेंडर के पहले दिन लोसर त्यौहार मनाया जाता है, और आप सभी को पता है आजकल तो त्यौहार के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन भर भर कर बन रहा है। आपको बताना है यह किस राज्य में मनाया जाता है लोसर फेस्टिवल, और यह मनाया जाता है आपका हिमाचल प्रदेश में, और हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है, जयराम ठाकुर। कैपिटल की बात करूं शिमला, और राज्यपाल कौन है तो बंदारू दत्तात्रेय, ठीक है ना। अगला प्रश्न हमारे सामने है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के कार्यान्वयन के कारण 100% एलपीजी कवरेज प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला। विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट वन टू अचीव 100% एलपीजी कवरेज ड्यू टू इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना स्कीम, और इसमें भी टॉप किया है आपका किसने, तो हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर आपका बी हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश के बारे में आपको बता ही चुका हूं वहां के राज्यपाल मुख्यमंत्री के बारे में। अगला प्रश्न हमारे सामने है हाल ही में 4000 वर्ष पुराने शिल्प ग्राम का संरक्षण किस शहर के संरक्षणकर्ताओं की एक टीम ने किया है, और ये पता लगाया गया है बनारस से 13 किलोमीटर दूर एक गांव में। उस गांव का नाम कम से कम आप याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये वाला। तो उस गांव का नाम क्या है, उस गांव का नाम है आपका बवनियाओ गांव, ठीक है ना। अगला प्रश्न हमारे सामने है एकीकृत वाहन पंजीकरण कार्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है, ये आपको बताना है। विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट इन द कंट्री टू लॉन्च अ यूनिफाइड व्हीकल रजिस्ट्रेशन कार्ड, और ये लॉन्च किया गया है मध्य प्रदेश में, और इंडिया में मात्र दो राज्य ऐसा है जहां पर यह लॉन्च किया गया है, एक तो मध्य प्रदेश और दूसरा आपका उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है टोगो के राष्ट्रपति के रूप में अपना चौथा कार्यकाल किसने जीता है, लगातार चौथा, उनका नाम बताना है, और उनका नाम क्या है आपका फौरे ज्ञाना सिंघबे, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी। और अगर वहीं पर बात किया जाए टोगो का कैपिटल क्या है, राजधानी, तो आप बोलेंगे लोम, और टोगो में मुद्रा क्या इस्तेमाल होता है तो वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन बोल सकते हो आप सभी, इंग्लैंड बोल सकते हैं आप सभी, कि यूनाइटेड किंगडम के नए एट्रोनी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, Who has been appointed as the new Attorney General of the United Kingdom? और उनका नाम क्या है, उनका नाम है आपका सुएला बार्वमैन, और ये जो है ना ये भारत में इनका जन्म हुआ था, ये भी याद रखिएगा, इंडियन ओरिजिन है। अगर वही बात करें यूनाइटेड किंगडम का प्रधानमंत्री कौन है तो वो है आपके बोरिस जॉनसन। कैपिटल लंदन है, राजधानी वहां का, और मुद्रा इस्तेमाल किया जाता है पाउंड स्टर्लिंग, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बनाना होगा उसके द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो किसे दिया गया है, ये आप सभी को उनका नाम बताना है, और उनका नाम है आपका एन कुमार, ऑप्शन नंबर आपका सी। अगला प्रश्न हमारे सामने, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, याद रखना। RBI ने बैंकों को अपना उधार दर को कम करने में मदद करने के लिए हेल्प करने के लिए 2 LTRO संचालन करने का निर्णय लिया है। आपको बताना है LTRO का फुल फॉर्म क्या है, आप सभी को बताना है कमेंट कर। और मैं बता दूं LTRO का फुल फॉर्म है लॉन्ग टर्म रिपो ऑपरेशन यानी दीर्घकालिक रिपो ऑपरेशन। और आज का आपका दूसरा प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट, मैंने करवाया है काफी बार, आप सभी को कमेंट कर ये बताना है ना
कि अभी वर्तमान में करेंट रिपो रेट क्या चल रहा है, कितना प्रतिशत, और रिजर्व रिपो रेट क्या चल रहा है। तो दोनों दर आपको कमेंट अगर बताना है कनाडा बैंक के इंफॉर्मेशन के साथ साथ, ये आपका दूसरा प्रश्न है आज के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2019 के अनुसार 2019 में किस शहर ने दुनिया के सबसे प्रदूषित राजधानी शहरों की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया, टॉप पर। तो दिल्ली आप सभी को पता है वहां पर हवा की कंडीशन सही नहीं है, पॉल्यूशन वगैरह बहुत ज्यादा है, तो कोई शॉकिंग की बात नहीं है कि भैया दिल्ली का नाम वर्ल्ड में टॉप पर। तो बिल्कुल टॉप पर कौन सा है, तो वो है आपका नई दिल्ली। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि किस राज्य ने गुलमर्ग में आइस रिंक में छठवें राष्ट्रीय आइस स्टॉक स्पोर्ट चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। अब ये कौन सा गेम है भैया, आपने देखा होगा बर्फ का एक रिंग लगा होता है, जैसा जहां पर हॉकी खेलते हैं, मान लो बास्केटबॉल खेलते हैं, उस प्रकार का एक ग्राउंड है, वहां पर आपका क्या रहता है, बर्फ लगा रहता है, बर्फ पूरा, उसके ऊपर आपको अलग अलग खेल जो है वो दिखाना पड़ता है। इसमें जो है, इस चैंपियनशिप में जो है वो जम्मू कश्मीर ने स्वर्ण पदक जीता है, और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, केंद्र सरकार द्वारा जारी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डीबीटी, अच्छा यहां पर बात कर रहा है सब्सिडी को लेकर, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को लेकर बात कर रहा है, भुगतान प्रदर्शन रेटिंग में किस भारतीय राज्य को शीर्ष स्थान दिया गया है, तो वो है आपका हरियाणा। हरियाणा ने 4 करोड़ ट्रांजेक्शन जो है वो किए हैं, कितने रुपए का, 4,782 करोड़ रुपए का, 2018 और 2019 में सिर्फ, ठीक है। यानी सब्सिडी ठीक तरह से देने का जो कार्य है वो हरियाणा ने अच्छे से निभाया है एक रिपोर्ट के अनुसार, और हरियाणा के सीएम कौन है, मनोहर लाल खट्टर, राज्यपाल कौन है, सत्यदेव नारायण आर्या, और राजधानी क्या है, तो वो है आपका चंडीगढ़। अगला प्रश्न हमारे सामने, एनएचपीसी यानी नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, राष्ट्रीय जल विद्युत ऊर्जा निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, उनका नाम बताना है आप सभी को कॉमेंट कर। और ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो नाम क्या है उनका, उनका नाम है अभय कुमार सिंह, ऑप्शन नंबर आपका बी, ठीक है। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर 10 और 11 मार्च का, जो 2 दिन का मिसिंग था, और कल से क्लास जो है वो बिल्कुल टाइम पर आएगा, क्लास का टाइमिंग नोट कर लीजिएगा। सो मेरे जितने भी भाई बहन देख रहे हैं सभी को गुड नाइट, अपना ख्याल रखना, और अपने साथ साथ ना अपने मम्मी और पापा दोनों का ही ख्याल रखिएगा, वो लोग हैं तो हम सभी हैं, ठीक है ना। चलिए।